अस्सलाम वालेकुम जी, अब आ रहे हैं बाबा को खुदाफिस कहने के लिए। बाबा अपने रूम में मौजूद हैं, तो मैं जरी अब्बास और अली जन बाद में आते हैं और बाबा से खुदाफिस का हम से दुआ ली। और जरी अब्बास अब बाबा साईं से मिल रहे हैं और उसके बाद सकीना को मैंने कहा वीडियो बनाए। जॉन साईं आ गए, जॉन साईं से मैंने कहा कि आप भी बाबा को खुदाफिस कहें। मैं जाने लगा कि जॉन साईं रुक गए और फिर भागते हुए गए बाबा से भी, उन्होंने दुआ ली खुदाफिस का। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, सामान तकरीबन सारा लोड हो चुका है, बैग सिर्फ मेरा रहता था वो मैंने खुद पकड़ लिया। और ये मेरे कुछ सूट्स हैं और ये मैंने ब्लैक शॉपर में गिफ्ट्स लिए हैं कि वहाँ जिन जिन के बाद हम मेहमान बने उनको ये गिफ्ट दिए जाएं। अब हम मोर महल से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और पूरे हमारे बच्चों का जमघटा वहाँ मौजूद है। सब बच्चे कह रहे हैं बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हम भी चलेंगे। डॉक्टर अली वारिस और मैं बाहर आ गए और अब गाड़ी में सामान अभी डिग्गी खोलते हैं और तकरीबन सारा रखा हुआ, थोड़ा सा सामान है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, रखेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। फरहान भाई हमारे फरहान, सलाम अलैकुम। अजीजलान खाई शरीफ सुबह कितनी ठाया बाबा, ये बच्चों का हमला हो गया। अजलान कह रहा है मैं भी जाऊं। अजलान गा रहे हैं दो, अजलान गा रहे हैं दो। ये देखो ये मिन्नो को भी लेके जाए, मिन्नो ने गांव जाना है। मिन्नो कह रही है मुझे भी जाना है। कहां मिन्नो जाना है? कहां रे मिन्नो जाना है? इनको गांव गांव जाना है मिन्नो को। मैंने गांव जाना है इनको, मिन्नो ए मिन्नो कहां जाना है? ये देखो अजलान, ये अली जाबिर, अली जाबिर गा रहे हैं दो। ये गाड़ी में गाओ हादी ता का रही दो। पापा था ये कह रहे पापा के पास जाऊंगा, ऐसे नहीं जाएगा ये पापा के पास। पापा था करी दो, ये पत्थर सो खा उछला भाई। अली वारिस को भेजा है डॉक्टर अली वारिस को, कुछ मेडिसिन से मैंने कहा वो ले ले, तो फिर आगे निकलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अली जॉन साईं का दूध लेंगे, वो लेने के बाद गाड़ी का पेट्रोल फुल कराएंगे। अभी देखें ये एवरेज दे रही है माशाल्लाह 8.2 किलोमीटर ठीक है पर लीटर, और इसका एवरेज ऐसा है जैसे फॉर्चुनर से भी ज़्यादा पेट्रोल पीती है। ये बेकार गाड़ी है यार उसकी, होंडा की। शुक्र है खुदा है तो सही, ज़्यादा फैमिली के हिसाब से 7 सीटर है, बड़ी अच्छी है, 1500 cc और बहुत लुक भी इसका बड़ा स्पोर्टेज लुक है। लेकिन अगर ये फ्यूल में भी अच्छी हो जाती ना तो क्या ही बात थी, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ली। हम मेरी भी ख्वाहिश थी, इसके लिए भी दुआएं मांगते थे अल्लाह पाक के फजल व करम से, तो अल्लाह पाक ने इस नेमत से नवाजा है। पर इस नेमत का एवरेज बस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं ओशान लेते हैं, ओशान का बड़ा अच्छा एवरेज है, देखें कब इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द अज जल्द वो भी नवाजेगा उससे भी। बाप अभी 23 हो जाऊंगा तो बस तू तो करी ना पर ना लो ना तो हां नहीं करे गलती करे नहीं करे तो जब वो है फिर डॉक्टर अली वारिस यहां रुके हैं दूध लेने के लिए। चलें जी डॉक्टर साहब आ गए हैं और अब गाड़ी की हवा चेक कराएंगे। पीछे डायरी है ना और कम है। अच्छा चले तो चले, ये सब बम पे आ गए, उस पर डिजिटल मीटर है, अभी ट्राई करते हैं। चले
मजा घड़ी कराई दो डॉक्टर साहब ने कहा जी यहाँ चलते हैं गाड़ी की हवा चेक कराते हैं, हवा जो है ना बहुत कम है, ये चेक करा रहे हैं सब नहीं गाड़ी का तुम भाई आ गए और जॉन कह रहा है टमाटर बड़े मज़ेदार गाना लगाएं, जॉन पीछे बैठा हुआ है जिस तुम्हारी लगे ना ख्याल करते हुए सब सही है सत्तर हज़ार सब सौ तीन साढ़े खत्म पूरा कर वन अड्डे बस चैलेंज ये पेट्रोल भी फुल हो गया अलीवार से कहते हैं इसका वो जो नौ पे वो भी जीरो करा लिया, एक को जीरो करे सीधे से। चलो भाई हो गया ट्रिप ए जीरो हो गया और अभी एवरेज भी इसका पता चल जाएगा कितनी है। जी जब निकले तो अचानक से नीडो गाड़ी की हवा पेट्रोल सब चीज़ें मैंने वहीं अपने एरिया से फुल कराई। अब हम मेमन गोड से जो है एक रास्ता हमारा सोराब गोड से और नेशनल हाईवे से होता है वे सुपर हाईवे को टच करता है और दूसरा हमारा चेक पोस्ट नंबर टू से रास्ता आता है तो वहां से हम लोग जो है वो जाते हैं हाईवे की तरफ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मेमन गोड वाले रास्ते से और चेक पोस्ट टू से होते हुए मेमन गोड से करीब से हम डाइवर्ट लेते हैं और वहाँ से फिर सोलंगी स्टॉप आता है और ये सीधा जो है हाईवे की तरफ निकलता है। अभी हम इस रोड पे हैं लेकिन आज इस रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है और अब ये जो है आ गए हैं हम हाईवे की तरफ, ये लास्ट चौरंगी है और इसके बाद हम ब्रिज चढ़ के और जब नीचे लैंड करेंगे तो जैसे उतरेंगे तो वहाँ हम सुपर हाईवे में शामिल हो जाएंगे। अक्सर मोस्टली यहीं लोग उतरते हैं, मैं अगर किसी को मेमन गोड चेक पोस्ट नंबर टू की तरफ आना हो या तो वो टोल टैक्स क्रॉस करते हैं तो वो लंबा हो जाता है, यहाँ ये यहाँ उतर जाते हैं तो यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। तो अभी हम जी अल्हम्दुलिल्लाह हाईवे में शामिल हो गए, ये हमारा इसमें जॉइनिंग पॉइंट है जहाँ हम हाईवे पर चढ़ जाते हैं और अब इस यहाँ इस पॉइंट से लेके सोराब गोड के दरमियान 33 किलोमीटर का जो फासला है वो सेव हो जाता है अगर हम मेमन गोड की तरफ टर्न करते हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ, बीच में नूरियाबाद आएगा, अब थोड़ी देर बाद हमारा सेकंड कराची बेरिया टाउन आएगा। बेरिया टाउन इतना बड़ा है कि सुना है कि 2.5 लाख फैमिली सेटल हो चुकी हैं, लोग रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, तमाम चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, स्कूल कॉलेज तो पता नहीं है लेकिन स्कूल्स हैं और उसके साथ साथ बैंक वगैरह भी बन गए, एक अच्छा उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया, एक अच्छी सोसाइटी बनाई है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे कि बेरिया आ गया है, उसकी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये बेरिया है, थोड़ा सा आगे उसका गेट है, गेट की क्या बात करें, बहुत अच्छा गेट बना हुआ है और ये रोड भी बड़ा हमारा अच्छा बन गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा हैदराबाद से लेके रोड़ी तक भी ऐसा रोड बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जितने भी सिटीज़ हैं हमारे सिंध की उनको मिलाने के लिए एक बेहतरीन हाईवे होने चाहिए, जैसे कराची के हैदराबाद मिला दिया, ये सेकंड हमारी हाईवे पे बेहतरीन सोसाइटी DH है, ये इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है, काफ़ी लोग यहाँ कुछ सेटल हो गए और इनका भी एक स्टैंडर्ड है। और अब हम जा रहे हैं, फिर हम बीच में नूरियाबाद पर रुकेंगे वाशरूम नमाज के लिए और उसके बाद फिर हैदराबाद जाएँगे।
दिया बात होता है वाला गो टू इंतकाल दिया के पेशाब है ओके पेशाब तने इंतकाल दिया माय टेंशन वाले भी है अलवार बाबा आ वने आ बिठा था वने 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 सो आप है पता भी जाओ ना अकेला दे दे ना क्या आईफोन में घर वन वने आईफोन वॉच में वाटर में जो दाग ना दे सब हेलो नूरिया बातें बताए वहाँ हाँ देर थी जा हेलो ना अरे भाई मेरे हेलो आज बेस को सिंह हेलो घो तो 170 दो ना चलो लाके करो हाँ अच्छा हाँ बस को टाइम से ना खोदो जो जी 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 अल्लाह अल्लाह है मुड़ी है हाँ बस यार छा कर बुझे यार छा कर बुझे रोड बंद पुलिस भी दिया अंदर छी नहीं जाता हाँ अना बिलावल हेलीकॉप्टर में इंदो मैंने जो अजयाल बड़ी पेरी पद निकता है गोठन में हाँ 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 ओके बस एक रखो तो खाली जोन कितने बैठा हो वाली जोन हाँ बाबा देखो पहले मामा खाने अभी आ रहे हैं बहुत सारे के लिए रेस्टोरेंट पे बिठा सी तो अंडों के तो भले ट्रैक्टर में वेंदो उते भाई ताए खणी इंदो लीलू खाटे लीलू खणी इंदो काटा ओडे लीलू खणी इंदो सही तो जी हां जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप तमाम लोग ठीक हैं खैर कहिए थे हम लोग जो है वो तकरीबन 6:20 पे कराची से निकले थे और हमारा अंदाज़ा था कि हम 9 बजे सदार से पहुँच जाएंगे और तस्वीर में शिरकत करेंगे उसके बाद फिर हम कंडियारों के लिए निकल जाएंगे लेकिन वो आज किसी सियासी तंजीम का जलसा था तो हैदराबाद में इतना ट्रैफिक जाम था जो हमसे पहले इकबाल भाई और दीगर हमारे रिश्तेदार निकले थे उन्होंने बताया कि जी ट्रैफिक बहुत जाम है और हमारी गाड़ी भी जो है वो टंडो अलायार से टंडो आदम की तरफ मूव हुई है तो फिर इसीलिए हमने हैदराबाद जाना गुरेज़ किया और हम जो है वो यहाँ से इंडस हाईवे जो कि 7 की तरफ जाता है वहाँ से निकले
और अभी हम जो है वो सन के करीब हैं। उम्मीद करते हैं कि अब हम कंडियारो जा रहे हैं। शदादपुर का प्रोग्राम हमने पोस्टपोन कर दिया, जो मैयत थी डेथ बॉडी थी उन्होंने कहा हम वेट करेंगे, लेकिन 9 बजे क्योंकि तमाम रिश्तेदार जो कराची और दीगर दूर दराज के इलाकों से आ रहे थे उनको देर हो गई तो उन्होंने मैयत दफना दी। अब अभी हम क्योंकि रास्ता बंद है मजबूरन हम कंडियारो जा रहे हैं मोहब्बतरो, और फिर इंशाल्लाह वापसी होगी कल। कल हम आएंगे शदादपुर, वहाँ 2-3 फातिहा करने और उसके बाद बैक टू पवेलियन कराची। अनफॉर्चुनेटली अबिया का पेपर है, ईशल का पेपर है, इसीलिए हमें जल्दी वापस आना है। और अभी हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं जिनका नाम बड़ा अच्छा है, नादी अली कैफ़े। एक ये है, एक इनका रोड के उस तरफ है, वहाँ अक्सर हम रुकते हैं, खाना वाना उनके पास खाते हैं। तो आज यहाँ फैमिली के साथ रुके हैं और इनकी कढ़ाई बड़ी अच्छी है, तो इन्होंने अभी थोड़ी देर में सर्व होगी, वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। अली वारिस भाई ड्राइव कर रहे हैं, मैं सोता हुआ आ रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को बर वक्त आगाह करते रहेंगे और व्लॉग में भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। सही नहीं नहीं बता, मैं खाना खा लूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? गाड़ी में बैठ करो। हाँ सब नहीं, 1 by 1 मिला नहीं सब खाना मैं। भाई नादिया अली रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था और अभी चाय आई, हम चाय पी रहे हैं, ठीक है? ये ईशल है, अबिया सब चाय पी रहे माशाल्लाह। भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया और चाय इस नादिया अली रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी थी। ये चलता हुआ हाईवे, ये अबलू है, अबलू ब्लू है, और ये सारा पानी ईशल ने पिया है। ये पानी जी अल्हम्दुलिल्लाह कंडियारो पहुंच चुके हैं। एक बज के 50 मिनट हुए और यहाँ धुंध भी बहुत ज़्यादा है, इसको मौज कहें। जी मुस्तफा की नस्ल कैसे कि जब सजरा चलाया अली ने।
गाड़ी का क्या के मोबाइल के मोबाइल वाले नहीं है ना मोटर ना कोई हां हेलो हेलो आगे अपने तसर खाना है खाना सही खुश आए हो केरा अरे खुश आए हो आए ते है माशाल्लाह केड़ी में पोते हां ना ना सर जियो मजा चलें जी आ गई मोबाइल हमें लेने के लिए और रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं क्योंकि यहाँ रास्ते में जाना मुनासिब नहीं है। बाबा ओए मोटरसाइकिल आए ना अबे पेट्रोल दे तुम जी हां वाला मकान जी हूं जी या टॉर्च के नाम अच्छा हां बच्चो तो कहां दे रहे जियो अच्छा चलो कोई दे जियो मासा रे पूरे इससे कोई आई हां वजह तो कंते हो पुलिस वाला हां आज टाइम तो बढ़िया नहीं हो ओए ता है पर यार चाहिए ना आगे लोड करे बैठो तो बैठो लोड चाहो तो आगरे आगरे पास
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से पहुँच गया ये हमारा घर, और अभी टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है 2:38, और ये अली जोन साई है ये अभी तक जा कर ये कदम कंडिया रे ये कदम गोरा हो ना रे मोकल जे जन न हो जनी कोन था मोकल न जे थम्या न असान को ने मोकल परायो थम्या न जन न जन सुभान शंकर हो वेचन कर रहे हो ओ जन ने पूछिया और ने मेरा तो जन घर हजम इस टाइम किसी अगर मेहमान होना जो है ना बड़ा तकलीफ दाय, और ये पूरी फैमिली जाग गई है हमारे प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, और इन्होंने बेचारों ने पुलिस का भी अरेंजमेंट किया था कि हमारे मेहमान आ रहे हैं कहीं लुट ना जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। 2:45 का टाइम हो रहा है और ये सब जा करें ओडा अन्या घणी उंगली करनी हां मौसम सही है ये तो बहुत सही है तो थमला करे बिन ईमान ने घणे तो पा जावे बेसी करायो नो आइन वाकई सभी करायो दो मारे सभी लाके कराया मैं कोई टाइम आ ना आगे टाइम है ना काम भी नहीं था
ओयो ओयो बाबा मुके गुड सेरो तो खाए ना ना म तो करे ओ जन तू तो ये तो करे जन बुदा ये तो करे ये तो करे बाबा तेरा गरीब आदमी मथा ना धक लग भाई सवा तीन हो रहे हैं खुबा खराब रात के और सवा तीन बजे चाय मिली भाई पैसा खरना उठ क्यों नहीं हेलो